हेलो गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग जो है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम के अंदर न्यू ऑफरोड मैप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे अपने गेम के अंदर खेल सकते हो गाइस। तो सब कुछ आप लोगों को गाइस इस वीडियो में बताने वाला हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोगों को ये मैप तो देख ही सकते हो गाइस कितना मतलब यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑफरोड मैप आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। एंड गाइस देख सकते हो यहां पे और यहाँ पे देख सकते हो भाई आसपास का जो व्यू है मतलब जो लोकेशन है ऑफ रोड मैप जहाँ पे बनाया गया है मतलब कि यार बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ऑफ रोड मैप के साथ। और ये जो ऑफ रोड मैप है भाई थोड़ा सा मतलब डेंजरस वाला भी है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोड्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं गाइस। गाइस चलिए जानते हैं कि हम इस मैप को कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इस मैप को जो अपने गेम के अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आगे भी आप लोगों को हमारी जो न्यू वीडियोस है मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों ने गाइस इस मैप को डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने जाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप लोगों को एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अब जैसे उस लिंक पे आप लोग जो है क्लिक कर देते हो तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो गाइस फाइनली इस तरीके से आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक सर्च का आइकन मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पे एक सर्च का आइकन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों ने क्या टाइप करना है गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है C3, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने C3 टाइप कर देना है। उसके बाद गाइस सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो ये वाला पेज ओपन हो चुका है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो गाइस ये जो पेज है सक्सेसफुली फुली ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को कुछ मैप की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये मैप की फाइल क्या है मतलब इसका नाम क्या है और इसका साइज कितना है। और उसके नीचे गाइस आप लोग देख सकते हो सबसे मेन चीज़ जो कि हमारा पासवर्ड है, इसके नीचे ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है और पासवर्ड आप लोगों ने यही डाल देना गाइस, ठीक है। तो पासवर्ड भी आप लोगों को पता चल चुका है। अब इस मैप को डाउनलोड करने के लिए नीचे आप लोगों को एक डाउनलोड मैप का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जैसे सिंपल से आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने मीडिया फायर की फाइल ओपन हो जाएगी और गाइस यहां से आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस मैप को डाउनलोड कर लेना गाइस। बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है, बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के लिए मैं बनाया हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस मैप को डाउनलोड करना है और फुली इंजॉय करना है। तो गाइस अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो गाइस, आईडी साइड में देख सकते हो और समझ में आप लोगों को आ गया होगा आसानी से, ठीक है। अगर आप लोगों ने फिर भी ऐड करना नहीं आता किसी को तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिए और अपने गेम के अंदर इस मैप को ऐड कर लीजिए। तो गाइस सबसे मेन चीज़ तो रह चुकी थी कि ये हमारा जो मैप है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले ये माउंटेन रोड आप लोगों को देखने को मिल जाती है। एंड गाइस जैसे इस रोड को आप लोग जो कंप्लीट कर लेते हो तो मतलब आगे जाके आप लोगों को जो ऑफ रोड मैप कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो वीडियो के अंदर। और यहाँ से आप लोगों ने अपने बस को गाइस लेफ्ट में मोड़ लेना है, इस ऑफ रोड मैप यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो आप लोगों ने फुली एंजॉय करना है। ओके गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।